ब्लीडिंग ज्यादा होगी, मूड स्विंग होगा, मवारी खराब हो जाएगी, किसी किस्म का कोई कैंसर हो जाएगा, या जो है वो इसके बाद जो है आपका फिजीक खराब हो जाएगी, पेट बाहर निकल आएगा, इस तरह की ये सारी चीजें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला गायनी सॉल्यूशन के फॉरम से आपके लिए गाय बगाए इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के लिए वीडियोस लेके आती रहती हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज़ की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो परमानेंट बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेशन है जिसको BTL कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। क्या कहा यह जाता है कि इस ऑपरेशन को करवाने से बहुत ज़्यादा डराया जाता है, तो क्या इसके नुकसान हैं कोई बहुत ज़्यादा? तो मैंने सोचा इसको ऊपर एक वीडियो बना के आपको क्लियर किया जाए। BTL में बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन का मतलब ये है कि ये साइड पे आपको एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें यूट्रस के साथ से दो ट्यूब्स निकल रही हैं। अब जो ये ट्यूब्स होती हैं ये बेसिकली ट्रांसफ़र करती हैं स्पर्म्स को अंडे तक, जिस तरह के फिर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। अब BTL के ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि इन ट्यूब्स को क्लिप कर दिया जाता है और कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो स्पर्म अंडे तक पहुंच सकता है और ना ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ऑपरेशन है अगर एक्सपर्ट हाथों में किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 100% होता है, यानी आपकी कॉन्ट्रासेप्शन 100% हो जाती है, आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने का रिस्क ना होने के बराबर हो जाता है, बशर्ते के एक्सपर्ट हैंड्स में किया जाए। नंबर दो, इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई दवाई या गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं बगैर इस डर के कि आपको प्रेगनेंसी होगी। इसके अलावा इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये आम तौर पर इसके लिए अलहदा से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सजेरियन के दौरान ही हम ट्यूब्स को लोकेट करके उनको क्लिप कर देते हैं और उनको कट कर देते हैं, तो इसके लिए अलहदा से ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और आप श्योर हैं कि अब आपको मज़ीद बच्चा नहीं चाहिए तो आप अपने हस्बैंड की मशवरे के साथ इसको जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये है इसके फ़ायदे। अब इससे डराया क्यों जाता है? इससे डराया इसलिए जाता है कि क्योंकि ये एक परमानेंट ऑपरेशन होता है और एक दफ़ा आपकी ट्यूब्स कट और लाइगेट हो जाएँ तो उसके बाद इनको खोलना तकरीबन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा हमें इनको खोलना पड़े तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक लंबी चौड़ी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, जो कि लैप्रोस्कोपी से भी हो सकती है और ओपन सर्जरी से भी हो सकती है, और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद भी सिर्फ 50% चांस होते हैं कि ओवरीज काम करना शुरू करेंगी और इसके बाद जो है वो इसको दोबारा से जो है वो बच्चा हो सकता है। तो लिहाजा ये जो ऑपरेट से आपको डराया इसलिए जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपके अंदर कोई हम खराबी पैदा कर रहे होते हैं, इससे बार बार आपसे पूछा इसलिए जाता है कि ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है। मुस्तकिल प्रोसेस का मतलब ये है एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बाद आप इसको दोबारा अगर रिवर्ट करने का सोचेंगे तो वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। तो लिहाजा कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे ऐसे मेथड्स मौजूद हैं अब जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर ऑप्ट करने के। तो अगर तो आप 100% श्योर हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं कि उसमें ये था कि जी इस हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गई, अब अगली जगह शादी हुई है तो अब ट्यूबें तो बंद हैं, तो ससुराल वालों को बताया नहीं हुआ कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अब आप मेरी कोई हेल्प करें, तो उस तरह के केसेस के अंदर जो है वो फिर ये बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं आप। तो इसलिए जो है वो इससे आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि ये इसको रिवर्ट करना ऑलमोस्ट मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या बच्चे बंद करवाने के बाद आपकी जान को कोई ख़तरा होता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चे बंद करवाने के बाद आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता है। बच्चे बंद करवाने के ऑपरेशन के बाद आपकी माहवारी के अंदर कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, क्योंकि ट्यूब्स का माहवारी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। आपको किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस होने की कोई शवाहिद नहीं है, क्योंकि ट्यूब्स कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती हैं।
इसी तरह से कुछ लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये बात सुनी है कि जो ट्यूबें बंद करने वाला ऑपरेशन होता है वो अगर आप बड़े ऑपरेशन के साथ कराएं तो आपको बहुत लंबी देर सर्जरी करनी पड़ती है। ये भी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यूट्रस में ऑपरेशन के दौरान ट्यूब्स बंद करने का सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस होता है। हम विद इन 5 मिनट्स ट्यूबों को पकड़ के लाइगेट करके उनको कट कर देते हैं। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा 1 आवर ऑफ सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से इसके बारे में एक और बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो पाई जाती है कि इसके बाद जो है वो आपको दिमागी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो लकीली ट्यूब्स का सोचने समझने से भी कोई ताल्लुक नहीं होता है। दिमाग का काम है सोचना समझना। तो अगर आप ये समझते हैं कि ट्यूब बंद होने की वजह से हमें कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह का कोई डिसऑर्डर हो गया है तो वो भी बात बिल्कुल गलत है। एक मेरी पेशेंट मेरे पास आई, उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने ये सुना है कि अगर ट्यूबें बंद की जाएं तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उनको फिर सिंपल वही बात बताई कि ब्लीडिंग का ताल्लुक ये यूट्रस के साथ है और यूट्रस को हमने कुछ नहीं किया, उसमें हमने जो है वो हो गया। तो लिहाजा जो इस तरह की बातें हैं कि जी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मूड स्विंग होगा, मवारी खराब हो जाएगी, किसी किस्म का कोई कैंसर हो जाएगा या जो है वो इसके बाद जो है आपका फिजीक ख़राब हो जाएगी, पेट बाहर निकल आएगा, इस तरह की ये सारी चीज़ें मिथ हैं। इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। डराया बार बार इसलिए जाता है कि ट्यूब्स बंद करने का प्रोसेस परमानेंट होता है। एक दफ़ा आपकी ट्यूब्स बंद हो गई तो अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहेंगी तो आपको हर तरफ से मायूसी होगी। हर बंदा आपको कहेगा जी आपके ऑपरेट करके कोशिश कर सकते हैं ट्यूब्स खोलने की, लेकिन कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। तो लिहाजा ये एक सोच समझ के करने वाला प्रोसेस होता है। अब कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरी उम्र 25 साल है, मेरा ये 3रा सिजेरियन है, तो आप मेरी ट्यूब्स बंद कर दें। तो उनको हम समझाते हैं कि अभी आपकी उम्र 25 साल है, आपके पास 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो अर्ली न्यूनेटल लेट न्यूनेटल डेथ जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बच्चों को निमोनिया हुआ हो गया, तो खुदा न खास्ता ये 3 बच्चे अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे, इनको कुछ हो जाता है तो आप दोबारा अपनी फैमिली कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी। तो लिहाजा हमने एक छोटा सा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 30 ईयर्स से पहले हम BTL को कंसिडर नहीं करते। अगर आपके एक कम अज़ कम एक बच्चा 5 साल से ऊपर का नहीं है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं, 5 साल से नीचे हैं, तो उस सूरत में भी हम BTL को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आपकी शादी को 7 से 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, आपकी मैरिज फेलियर के चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन अगर इससे कम अर्सा हुआ है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप BTL की तरफ ना जाएं और बहुत सारे मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन के मौजूद हैं, आप उनको कंसिडर करें। इसी तरह से अगर जो है वो आपके बच्चों बेबी बॉय या अगर जेंडर की कोई है, आपकी सिर्फ बेटियां हैं या सिर्फ बेटे हैं, तो उस सूरत हाल में भी हम ये कहते हैं कि आपके ऊपर किसी टाइम पे भी सोसाइटी का प्रेशर आ सकता है, आपको दोबारा बच्चे की ख्वाहिश हो सकती है जिससे कि आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप परमानेंट बच्चे को बंद ना करवाएँ, इसकी जगह पर और सेफ मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है कि आपको BTL के बारे में जो मुकम्मल तौर पे परमानेंट बच्चे बंद करने के बारे में जो क्वेश्चन क्वेरीज हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन मुझसे किए जाते हैं YouTube के ऊपर, मैंने उनके आंसर करने की कोशिश की है। इवन देन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, मेरी टीम उन क्वेश्चंस को मेरे तक लेके आती है जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, और उन पे फिर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी। हर एक कमेंट के लिए मेरे पास आंसर करना टू बी वेरी फ्रेंकली बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उन पर कलेक्टिवली एक वीडियो बना लेती हूँ। मेरे कॉमेंट्स आपके मेरे तक पहुँचते ज़रूर हैं, मैं उनको सूनर और लेटर जो है वो वीडियो के फॉर्म में आंसर कर देती हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद किसी चीज के ऊपर आप मेडिकल नॉलेज के बारे में वीडियो सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।